फ्रेंड, अगर हम एक ट्रूली फ्लैगशिप किलर की बात करें तो एक फ़ोन है रेडमी नोट 15 प्रो प्लस, जो कि एक अपकमिंग डिवाइस है, और इसका पिछला फ़ोन नोट 13, जिसमें कि आपको IP68 का सर्टिफिकेशन OIS बेस कैमरा होने के बावजूद इसकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी, तो एक अच्छा फ़ोन आप कम पैसे के साथ भी ले सकते हैं। और कुछ बात करें नोट 15 के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं टेक हंगर। तो शुरुआत करते हैं इसके लुक से, तो इसका डिजाइन काफ़ी स्पेसिफिक और प्रीमियम फील होता है, जिसके बैक साइड पर कैमरा और कवर स्क्रीन के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग की एक हाउसिंग देखने को मिल जाती है, जो कि फोन को मजबूत और बड़ा दिखाता है। और फ्रेंड्स, में फ्लैट के साथ साथ कर्व डिस्प्ले भी ऑफर करी जाएगी। कैमरा पर चलें तो इसमें काफी प्रैक्टिकल ट्राइव कैमरा मिलता है, और प्राइमरी कैमरा अभी भी सैमसंग का HP3 है, जो कि 200 मेगापिक्सल के साथ आता है, और इसमें आप 2x तक लॉसलेस जूम कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस कैमरे की हेल्प से आप 4K OIS वीडियो भी शूट कर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें 2 LED फ्लैश ऑफर करी गई हैं, और इसके नाइट सेंसर का यूज करते हुए आप काफी लाइटर इमेज कैप्चर कर सकते हैं। और पिछले फोन की तरह सिंपल कैमरा फ्रंट पर दिया गया है, जो कि 20 मेगापिक्सल का, और ये आएगा फुल HD रिकॉर्डिंग के साथ में, जहां पर वाइड एंगल आप यूज कर पाएंगे। और रेडमी के इस फोन में आपको लैग फ्री और पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर दिया गया है डायमेंसिटी 1300 का चिपसेट, और इसमें LPDDR5 रैम को यूज किया गया है, जो कि 8, 10 और 12 GB की है। और फ्रेंड, इसमें एंड्रॉइड 14 के साथ साथ हाइपर OS देखने को मिल जाएगा, जो कि Redmi का ही एक UI है, जिसका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है। और इस डिवाइस में 6.6 इंच की Dolby Vision वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले प्लेस करी गई है, जो कि एक 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में, और ये जो स्क्रीन है 2200 निट्स की पीक ब्राइटनेस अचीव कर सकता है, जिसमें कि विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसमें आप HDR10+ कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो डिस्प्ले काफी इम्प्रेसिव है, और इस फोन के साथ मिलती है 5400mAh की एक मैसिव बैटरी, जो कि 135 वाट के हाइपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, और हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग तो है ही। और फ्रेंड, इस फोन पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट अटैच किया गया है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि ऑप्टिकल होगा। पोर्ट्स और बटन की बात करी जाए तो इसमें टाइप सी पोर्ट के साथ साथ डुअल स्पीकर और डुअल माइक दिया गया है, जिसमें कि आपको 3.5mm ऑडियो जैक होल के साथ साथ आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा, और इसके पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा रेडमी नोट 15 प्रो प्लस में आपको IP68 का सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, जिसमें कि 5G के साथ साथ NFC जैसे फीचर भी होंगे, और ये जो फोन है मार्केट में 4 कलर ऑप्शन आपको देता है। और फ्रेंड, इन सब फीचर के साथ भी इसका प्राइस 30,000 से 32,000 के बीच ही होगा, और ये हो सकता है नवंबर तक मार्केट में अनाउंस भी कर दिया जाए। अगर आपको पैसे बचाने हैं और एक वैल्यू फॉर मनी डील करना है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर इसका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।